दोस्तों कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम अपना लास्ट मुकाबला जो कि लीग स्टेज का मुकाबला है वो राजस्थान के अगेंस्ट खेलने जाएगा, जिसमें काफ़ी सारे लोगों को एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन ऑलरेडी बन चुका है। अब वैसे फिल सॉल्ट तो जा चुके हैं जिनकी जगह रहमानुल्लाह गुरबाज फॉर श्योर उनको रिप्लेस करेंगे, बट अब ऐसे के अंदर कुछ प्लेयर्स को क्या रेस्ट दिया जाएगा एक मैच के लिए, क्या सभी सीनियर्स प्लेयर को खिलाया जाएगा, रेस्ट दिया जाएगा, क्या प्लेइंग 11 में चेंज है, तो आज मैं आपको बहुत शॉर्टली बता देना चाहता हूँ। चंद्रकांत पंडित ने रिसेंटली एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जहां पर उन्होंने बोला है हम गेम को, हम मैच को, हमारे मोमेंटम को बिल्कुल हल्के में नहीं ले सकते हैं और हम हर मुकाबला चाहे वो इंपॉर्टेंट हो चाहे इंपॉर्टेंट नहीं हो उसको हम सीरियसली लेते हैं और इसी के चलते हम किसी को भी रेस्ट नहीं देंगे और हमारी सेम प्लेइंग 11 के साथ खेलेंगे, यानी ज्यादा चेंजेस नहीं करेंगे। अगर किसी प्लेयर को सीरियस इश्यूज हैं चाहे वो इंजरी हो या कुछ एक्सेट्रा चीजें हो तो ही यहां पर टीम केकेआर की प्लेइंग 11 में थोड़े बहुत बदलाव होंगे, वरना आपको वही सब प्लेयर देखने को मिलने वाले हैं। आप कमेंट करके जरूर बताओ एक ऐसा पॉजिटिव खिलाड़ी टीम केकेआर में जो हारा हुआ मैच भी जिता सकता है और एक ऐसा नेगेटिव खिलाड़ी बताओ जो जीते हुए मुकाबले को भी यहां हरा सकता है। कोई मिचेल स्टार्क का नाम लेना चाहे तो खैर वो भी ले सकते हैं। खैर दोस्तों, अगर आप बिलीव करते हो कि केकेआर टीम नहीं इमोशन है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और अभी के अभी ये वीडियो 3 लोगों के पास भी शेयर कर दो।